नौ आईपीएस अफसरों के तबादले के बाद अनिल विज अपनी ही सरकार के नाराज हैं। नाराजगी का कारण विज से पूछे बिना अफसरों का तबादला होना है। अनिल विज के मुताबिक ये उनके अधिकार क्षेत्र में आता है, लेकिन उनके बिना पूछे ही अफसरों को इधर से उधर कर दिया गया और इसको लेकर अनिल विज ने सीएम को खत भी लिखा है। मनोहर सरकार के कद्दावर मंत्री अनिल विज, जिनके नाम से सरकारी महकमे का हर कर्मचारी और अधिकारी खौफ खाता है, इन दिनों वो थोड़ा खफा है। दरअसल उनकी नाराजगी का कारण भी जान लीजिए। गृह मंत्री अनिल विज के बिना पूछे सीएमओ की तरफ से 9 आईपीएस अफसरों के तबादले कर दिए गए। जब अनिल विज को इस बात का पता चला तो उन्होंने तल्खी भरे अंदाज में जवाब दिया। अनिल विज ने कहा कि गृह मंत्री होने के नाते तबादले का अधिकार सिर्फ और सिर्फ मेरा है, लेकिन तबादले सीएमओ की तरफ से जारी कर दिए गए। तबादलों को कैंसिल करने के लिए बकायदा अनिल विज ने इसके लिए मुख्यमंत्री को खत भी लिखा है। तो वहीं दूसरी तरफ अनिल खुफिया विभाग के कामकाज से भी असंतुष्ट दिखाई दिए। इसके लिए अनिल विज ने 3 अधिकारियों की एक कमेटी का गठन भी किया है। ये कमेटी खुफिया विभाग में सुधार के कुछ टिप्स देगी। इस कमेटी में आईपीएस केपी सिंह, पीआर देव और आईएएस विजय वर्धन को शामिल किया गया है। एक जो खुफिया विभाग है, इसमें बहुत सुधार की गुंजाइश है, जो मैंने एक महीने में महसूस किया है कि ये बहुत फिसड्डी है। तो इसके लिए मैंने एक 3 मेंबरी कमेटी बनाई है, जिसके चेयरमैन होंगे आईएएस विजय वर्धन और 2 डीजीपी, एक पीआर देव और एक केपी सिंह, ये 2 मेंबर होंगे। ये सुजेस्ट करेंगे कि इसमें क्या क्या सुधार किया जा सकता है, कहाँ कहाँ पर इसमें क्या क्या ज़रूरतें हैं, टेक्नोलॉजी का उपयोग कहाँ कहाँ पर ज़्यादा किया जा सकता है, ये मैं करना चाह रहा हूँ। तीसरा, जो नीचे के कर्मचारी हैं उनमें क्या सुधार की ज़रूरत है या गुंजाइश है, उसके लिए मैं हर जिले से 5 कांस्टेबल और 5 हेड कांस्टेबल, जो सीनियर मोस्ट होंगे, 5-5 जो सीनियर मोस्ट कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल होंगे सभी जिलों के, वो बुलाकर उनके साथ सारे अधिकारियों को बैठाकर एक टॉक करना चाहता हूं, ताकि वो सुझाव दे सकें वे क्या क्या करें हम। अनिल विज सूबे की पुलिस में सुधार को लेकर लगातार प्रयासरत हैं। गृह मंत्री ने कहा कि पुलिस के लिए कानून तो बने हैं, लेकिन उन्हें अमली जामा नहीं पहनाया गया है। अगर जरूरत पड़ी तो इसके लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। इस विभाग में व्यापक सुधार करने के लिए कुछ कदम मैं उठाने जा रहा हूं। एक तो जो पुलिस एक्ट नया पास हुआ था, उसको लगभग 10-12 साल हो गए, लेकिन उसके रूल अभी तक नहीं बने हैं। बन गए हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं, और जब तक वो रूल इम्प्लीमेंट ना हो जाएं, तब तक वो जो नया एक्ट हमने अडॉप्ट किया है उसको लागू नहीं किया जा सकता। और मजेदार बात तो यह है कि एक्ट हरियाणा का है और रूल्स आज भी पंजाब के लागू किए जा रहे हैं। तो वो मैंने स्टडी करने के लिए मंगवाया है कि हम उसको स्टडी करें। अगर कि उसकी फर्दर कमेटी बनानी होगी, कमेटी भी बनाऊंगा, लेकिन उनको लागू करें पुलिस सुधार के लिए, वो बहुत जरूरी है। सीएमओ की तरफ से जारी आईपीएस अफसरों के ट्रांसफर ऑर्डर अनिल विज को हजम नहीं हो रहे हैं। इसके लिए अनिल विज ने सीएम को खत भी लिखा है। अब देखना होगा कि इस खत का जवाब क्या आता है। खबरें अभी तक के लिए चंडीगढ़ से जितेंद्र चौधरी की रिपोर्ट।